नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज से हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जनजातियों की। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें असत्य कथन को चुनना है। सबसे पहले हम इस शब्द को मार्क कर लेते हैं ताकि हम इसे बाद में भूले नहीं। पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ के जनजातियों की सूची दी गई है। इस सवाल को CGPSC प्री 2013 में पूछा गया था और ये कथन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की सूची दी गई है और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। अर्थात छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली 42 अनुसूचित जनजातियों को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में सूचीबद्ध किया गया है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि क्या ये केवल 42 अनुसूचित जनजातियां हैं, तो नहीं, इन्हें 42 नंबर में सूचीबद्ध किया गया है। अगर हम ऐसे नंबरिंग की बात करें तो 42 तक के नंबर हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर और भी जाते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा है कि केवल एक ही अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया है, तो कहीं कहीं पर एक से अधिक अनुसूचित जनजातियों का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से नंबरिंग के हिसाब से तो 42 अनुसूचित जनजातियां हैं जिसे 161 उपसमूहों में विभाजित किया गया है। किसी भी राज्य में या संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है। अगर राज्य की बात की जा रही है तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसा कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, जनजाति समाज सामान्यतः पितृसत्तात्मक होता है। तो देखिए, ये जो सामान्यतः लिखा है ना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी स्टेटमेंट में सामान्यतः ही भी इस प्रकार के शब्द आए तो आप सतर्क हो जाइए। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। कैसे इंपॉर्टेंस बहुत है, यहां पर हमने देखा कि लिखा है कि सामान्यतः पितृसत्तात्मक होता है। तो हाँ, जनजाति समाज सामान्यतः पितृसत्तात्मक होता है, पितृवंशात्मक होता है, पितृनिवास स्थान होता है, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता है। इसके विपरीत भी परिस्थितियां होती है। हाँ, सामान्यतः पिता की सत्ता होती है, पिता का वंश क्रम आगे बढ़ता है, पिता के घर में बेटी निवास करती है, माता के घर में बेटी निवास नहीं करती है, या फिर हम ये कहें कि विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष के घर जाकर रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो पुरुष स्त्री के घर में आकर रहता है, स्त्री का वंशक्रम आगे बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थितियां भी हमें जनजाति समाज में देखने को मिलती है। लेकिन जब सामान्यता की बात की जाए तो हाँ, जनजाति समाज सामान्यतः पितृसत्तात्मक तो होता है। तीसरा स्टेटमेंट, द्रविड़ भाषा समूह का विस्तार उत्तर एवं मध्य छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियों में बोली जाने वाली बोली या भाषा को मुख्य रूप से तीन भाषा समूहों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर फिर से मैंने एक शब्द का उपयोग किया, मुख्य रूप से। देखिए, मुख्य रूप से तीन भाषा समूह है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और भाषा समूह है, तिब्बती भाषा समूह, तो उसे हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये तीन भाषा समूह कौन कौन से हैं? आर्य भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह और मुंडा भाषा समूह। आर्य भाषा समूह भारोपीय परिवार की भाषा है, वहीं पर द्रविड़ भाषा समूह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और मुंडा भाषा समूह ये ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। ठीक, तो यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियां जो कि आर्य, द्रविड़ और मुंडा के अंतर्गत आती है, उनमें आर्य भाषा समूह के अंतर्गत 87 प्रकार की भाषा या बोली बोली जाती है, द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत 19 प्रकार की भाषा या बोली बोली जाती है और मुंडा भाषा समूह के अंतर्गत 16 प्रकार की भाषा या बोली बोली जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियां या तो आर्य प्रजाति की है, या तो मुंडा प्रजाति की है,
या तो फिर द्रविड़ प्रजाति की है, और यह जिस प्रजाति की है उसी प्रजाति के अंतर्गत भाषा समूह में जितनी भाषा या बोली को रखा गया है उनमें से किसी एक भाषा या बोली को बोलती है। अगर आप ये समझ जाए ना कि छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में कौन से भाषा समूह की जनजातियां निवास करती है, तो आपसे बहुत सारे प्रश्न हल होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा समूह की जनजातियां निवास करती है, कहीं ना कहीं तो निवास करती ही है। उसी प्रकार अगर हम द्रविड़ भाषा समूह की बात करें तो द्रविड़ भाषा समूह की जनजातियां या तो उत्तर में निवास करती है या तो फिर दक्षिण में निवास करती है। और इसके अतिरिक्त मुंडा भाषा समूह की जनजाति, तो मुंडा भाषा समूह की जनजाति केवल और केवल उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अगर आपने ये समझ लिया कि मुंडा या कोलेरियन भाषा समूह की जनजाति या फिर इस प्रजाति की जनजाति केवल उत्तर क्षेत्र में निवास करती है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जो भी जनजातियां उत्तर में निवास करती है वो किस प्रजाति की है, तो मुंडा प्रजाति की है। ठीक है, तो यहाँ पर मुंडा प्रजाति की जनजाति रहती है, मेनली यहाँ पर द्रविड़ प्रजाति की जनजातियां रहती है। हाँ, कुछ द्रविड़ प्रजाति की जनजातियां उत्तर में भी निवास करती है, लेकिन द्रविड़ और मुंडा प्रजाति की जनजातियां मध्य में तो निवास नहीं करती है। ठीक, और आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आर्य प्रजाति की जनजातियां पूरे छत्तीसगढ़ में बिखरी हुई है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है और बैगा भी द्रविड़ प्रजाति की है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि द्रविड़ भाषा समूह की जनजातियां कहाँ निवास करती है, उत्तर और दक्षिण में। आंशिक रूप से उत्तर में निवास करती है, मेनली तो वो दक्षिण में निवास करती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती है, तो गोंड जनजाति समूह के अंतर्गत मुरिया, माड़िया, परजा, डोरला, ये सभी जनजातियां द्रविड़ भाषा समूह की बोली बोलती हैं और द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आर्य भाषा समूह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को भी CGPSC में पूछा गया था, आर्य भाषा समूह के अंतर्गत हल्बी बोली आती है। ठीक है, मतलब कि हल्बा जनजाति के लोग आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त धनवार, ये सब जो बीच में निवास करती है, ये सभी आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है। उत्तर में कौन सी जनजातियां निवास करती है, तो उत्तर में निवास करती है कोरकू, कोरवा, बिरहोर, ये सभी जनजातियां मुंडा भाषा समूह की बोली बोलती है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि उराव जनजाति उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन ये द्रविड़ प्रजाति की है। ठीक, इतना समझ में आया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली जितनी भी बोली या भाषा है उसमें सर्वाधिक गोंडी बोली बोली जाती है, सेकेंड रैंक में हल्बी और थर्ड में उराव या कुड़ुख, ये भी CGPSC में पूछा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। तो हम कहाँ पर थे, हम ये देख रहे थे कि ये तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि द्रविड़ भाषा समूह का विस्तार उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द्रविड़ भाषा समूह का विस्तार उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमें असत्य कथन को चुनना है, तो केवल 3 असत्य है, बाकी 2 तो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित सूची 1 में विवाह के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में विवाह के स्वरूप के नाम दिए गए हैं और हमें इसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहला नाम है हल्दी पानी। हल्दी पानी किसे कहते हैं, विधवा विवाह को हल्दी पानी भी कहा जाता है और विधवा विवाह को स्थानीय बोली में अर ऊतो भी कहा जाता है। काण विवाह, काण विवाह एक प्रकार का तीर विवाह है। तीर विवाह को भुंजिया जनजाति के लोग काण विवाह कहते हैं। होता क्या है, भुंजिया जनजाति में 10 से 12 वर्ष की लड़कियों का
प्रतीकात्मक तौर पर तीर से विवाह कर दिया जाता है। ये एक प्रकार का बाल विवाह है, क्योंकि उनके पूर्वजों की परंपरा ऐसी है कि लड़कियों का बाल्यकाल में ही विवाह कर दिया जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए इस जनजाति के लोग लड़की का बाल विवाह करते हैं, लेकिन वे उनका बाल विवाह किसी पुरुष से नहीं करते, बल्कि एक तीर से करते हैं प्रतीकात्मक तौर पर, ताकि उनके पूर्वजों का सम्मान भी किया जा सके, अपने वर्षों से चली आ रही परंपरा का सम्मान किया जा सके और समाज की कुरीतियों से बचा भी जा सके। इस प्रकार से लड़की का वास्तविक तौर पर तो विवाह नहीं होता है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर तीर से विवाह कर दिया जाता है और इस विवाह को कांड विवाह कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही तीर से विवाह विजवार जनजाति के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक, पैडुल। पैडुल क्या है? ये एक प्रकार का हट विवाह है। जब लड़की किसी लड़के को पसंद करती रहती है, उससे प्रेम करती रहती है, तो वो लड़के के परिवार के घर में जाती है और लड़के के माता पिता के नहीं मानने पर वो तब तक उस घर से वापस नहीं जाती जब तक कि उसके माता पिता और लड़का ये सभी राजी ना हो जाएं। तो इस प्रकार से वो लड़के के घर में जाकर विवाह करने के लिए हट करने लगती है, इसलिए इस विवाह को हट विवाह कहते हैं और स्थानीय बोली में इसे पैडुल कहा जाता है। ये मुख्यतः आपको दो जनजातियों का ध्यान में रखना है, बैगा और कोरबा जनजाति। दोनों जनजातियों में हट विवाह मुख्य रूप से प्रचलित है। बैगा जनजाति में इस विवाह को पैडुल और कोरबा जनजाति में इस विवाह को धुकु कहा जाता है। देखिए, आपको अगर कोई ट्रिक लगाना है इसे याद करने का, तो देखिए बैगा दो लेटर से बना है, जबकि यह हट विवाह का ये जो पैडुल है ये तीन लेटर से बना हो। वहीं पर हम कोरबा जनजाति में देख रहे हैं तो विवाह दो लेटर का है और कोरबा नाम जो है वो तीन लेटर का है। तो इस प्रकार से आप इसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि किस जनजाति में इस विवाह को क्या बोला जाता है। ठीक, एक और विवाह है पैडुल, कंफ्यूज नहीं होना है ना। पैडुल विवाह सामान्य विवाह को कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सामान्य विवाह होता है। ठीक, गोलत विवाह। गोलत विवाह विनिमय विवाह को कहा जाता है। विनिमय विवाह मतलब जब विवाह दो परिवारों के बीच में होता है, जब एक परिवार के लड़के का विवाह दूसरे परिवार के लड़की से और दूसरे परिवार के लड़के का विवाह पहले परिवार के लड़की से कर दी जाती है, तो इस प्रकार से लड़का और लड़की का विनिमय किया जाता है, इसलिए इस विवाह को विनिमय विवाह कहा जाता है। इस विवाह की खासियत यह है कि इसमें पारिंगन, पारिंगन अर्थात वधु मूल्य नहीं देना पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में इस विवाह को गुरावट कहा जाता है और बिरहोर जनजाति में इस विवाह को गोलक विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए का मैच 4, बी का मैच 3, सी का मैच 2 और डी का मैच 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, दो और विवाह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चढ़ विवाह और दूसरा पठौनी विवाह। चढ़ विवाह में लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है और पठौनी विवाह में लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियों से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि सही कथन का हमें चयन करना है। सबसे पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में टोटल ऐसी 7 जनजातियां हैं जिन्हें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये 7 जनजाति कौन कौन सी है? तो अबू झमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुंजिया और पंडो। ये 7 जनजातियां हैं जिन्हें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इनमें से ये 5 जनजातियां हैं, इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है और राज्य स्तर पर भुंजिया और पंडो, इन 2 जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। ये सभी की सभी जनजातियां विशेष रूप से पिछड़ी हैं।
किस आधार पर विशेष रूप से पिछड़ी है? ये आज भी तकनीक से पूर्व की कृषि प्रणाली से कृषि करती है, मतलब कि ये अस्थाई कृषि करती है, ये वनोपज संग्रहण करती है, इनकी जनसंख्या या तो लगातार कम होती जा रही है या तो फिर स्थिर हो गई है, इनकी साक्षरता दर बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस प्रकार से इन सभी जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत रखा गया है, और ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनमें से सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है। ठीक है, हाँ, हम डेटा के तौर पर ये कह सकते हैं कि अबू जमाड़िया जनजाति, ये जो जनजाति है इसकी जनसंख्या बहुत कम है छत्तीसगढ़ में। अगर हम अबू जमाड़िया विकास अभिकरण के सर्वेक्षण की बात करें तो 2002 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 20,000 जनजातियां ही यहाँ निवास करती है। इसकी साक्षरता भी वैसी ही है, लगभग 20%। तो हाँ, ये इसकी साक्षरता दर बहुत कम है, इसकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी सबसे पिछड़ी हुई जनजाति तो किसी को नहीं कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट, बिरहोर जनजाति पारंपरिक हस्तशिल्पी जनजाति है। तो हाँ, बिरहोर जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये लोग निवास करते हैं जशपुर और ये कॉर्नर वाला एरिया रायगढ़, यहाँ निवास करते हैं, और ये पारंपरिक हस्तशिल्पी जनजाति है। ये बांस हस्तशिल्प का कार्य करती है, बांस हस्तशिल्प टुकना, झउआ, बेहंगा, रस्सी, इस प्रकार से देवी देवताओं की मूर्ति, तो इस प्रकार से बहुत सारे निर्माण कार्य ये बांस से करती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बिरहोर जनजाति से संबंधित आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि इनके पूर्वज मुख्य रूप से बंदर का शिकार किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि ये जब शिकार पर जाते थे तो शिकार पर जाने से पहले ये पूजा पाठ किया करते थे, ताकि ये पता चल सके कि आज शिकार के लिए जानवर मिलने वाला है या नहीं। और ऐसी भी मान्यता है कि ये जिस वृक्ष को छू देते हैं ना, उस वृक्ष पर बंदर तो नहीं बैठते हैं। ठीक, अगला स्टेटमेंट, भतरा जनजाति के घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो भतरा जनजाति के घर को नहीं कहा जाता, बल्कि भुंजिया जनजाति के रसोई को लाल बंगला कहा जाता है। भुंजिया जनजाति के लोग गरियाबंद रायपुर ये मध्य क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके घर में रसोई के लिए एक पृथक मकान होता है और ये लाल रंग से रंगा होता है, और इसीलिए इनके रसोई को लाल बंगला कहा जाता है। ये जो स्थान होता है बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। इनके रसोई में देवी देवताओं का स्थान होता है, अपने देवी देवता की स्थापना वो रसोई में करते हैं, और ये यहाँ पर चप्पल पहन के प्रवेश तो नहीं करते हैं। ठीक है, और कोई बाहरी व्यक्ति इनके रसोई को छू भी नहीं सकता, ठीक, स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पंडो जनजाति अपना संबंध एकलव्य से मानते हैं। पंडो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये सरगुजा, सूरजपुर, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर निवास करते हैं। तो हाँ, ये अपना संबंध एकलव्य से मानते हैं, एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं, और जिस प्रकार से एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा स्वरूप अंगूठे को काट कर दे दिया था, उसी प्रकार से उस गुरु दक्षिणा का सम्मान रखने के लिए पंडो जनजाति के लोग अंगूठा का उपयोग किए बिना ही तीर धनुष चलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे धनुर्धारी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या करना है हमें? सही कथन का चयन करना है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हम इनके निवास स्थान को देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। चलिए, इसके निवास स्थान को हम यहाँ पर देख लेते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, देखिए शुरुआत करते हैं अबू जमाड़िया से। तो अबू जमाड़िया जनजाति के लोग नारायणपुर और बीजापुर इस क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ पर ये है अबू जमाड़िया। ठीक, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति के लोग मैकल रेंज में निवास करते हैं। यहाँ पर बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग, ये जो उत्तरी क्षेत्र है ना, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग निवास करते हैं। उसके नीचे बिरहोर, जशपुर और रायगढ़,
और नीचे अबुजमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोल, कमार की बात करते हैं। कमार जनजाति के लोग मुख्य रूप से गरियाबंद में, आंशिक रूप से धमतरी, महासमुंद, ये इस क्षेत्र में यहाँ पर निवास करते हैं कमार। भुंजिया, भुंजिया जनजाति के लोग भी यही निवास करते हैं आसपास, ये रायपुर में निवास करते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पर भुंजिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। और पंडो जनजाति के लोग उत्तर में सरगुजा और सूरजपुर, ये यहाँ पर पंडो जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो देखिए, जितनी भी जनजातियां हैं ये छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में निवास करती हैं। और यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं, तो ये मुख्य रूप से जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। और इनके पिछड़े होने का आधार भी हम यही कह सकते हैं कि चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ पर यातायात के प्रॉपर साधन नहीं है, जो कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ये लोग निवास करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इनके निवास स्थान को याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए तो देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लोग निवास करते हैं। ये देखिए, ऐसा हम एक क्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पर अबुजमाड़िया, यहाँ पर बैगा, यहाँ पर पहाड़ी कोरबा, देन बिरहोर, देन कमार, उसके बाद यही भुंजिया, और यहाँ अंदर डायरेक्ट पंडो। तो इस प्रकार से आप इनके निवास स्थान को याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित सूची 1 जनजाति और सूची 2 निवास स्थान को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 4 जनजातियों के निवास स्थान को हमें सुमेलित करना है। उराव जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? ये उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। ये निवास करती है सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर उराव। ठीक है, ये मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक है, और देख रहे हैं ये इसी सीमावर्ती क्षेत्रों में ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अगला, मुरिया, मुरिया जनजाति के लोग कोंडागांव में निवास करते हैं। अगर हम मुरिया जनजाति की बात करें तो ये लोग यहाँ नीचे की ओर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, इन क्षेत्रों में मुरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कमार। कमार के बारे में हमने अभी जस्ट चर्चा की थी कि कमार जनजाति के लोग गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये मुख्य रूप से वैसे तो गरियाबंद में निवास करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से अगर हम बात करें तो ये महासमुंद, धमतरी, कांकेर, इन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। तो यहाँ पर हम कमार लिख देते हैं। अगला, सौता जनजाति। तो सौता जनजाति कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा तहसील में निवास करती, केवल और केवल ये कोरबा जिले में निवास करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सौता लिख देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुरिया नीचे, कमार यहाँ पर गरियाबंद के क्षेत्र में, उराव सरगुजा जशपुर के क्षेत्र में, और सौता कोरबा जिले के अंतर्गत निवास करती है। ठीक, अब इसका करेक्ट आंसर हम मैच कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियों से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। अब हमें असत्य कथन का चयन करना है। यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड जनजाति समूह है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन है, तो समूह तो गोंड जनजाति समूह है। लगभग छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति जनसंख्या का 56% जनजातियां गोंड जनजाति समूह के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ में कुल जनजाति जनसंख्या कितनी है? 7822
902। ठीक है, तो इसमें से लगभग, देखिए सारे आंकड़े लगभग बोल रही हूँ ना, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्ट आंकड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, लगभग के आंकड़ों की बात कर रही हूँ। ये आंकड़े सीजीपीएससी में नहीं पूछे जाते, आपको अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से ही पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, या फिर आपको चार जनजातियों के नाम दे दिए जाएंगे और जनसंख्या के आधार पर उसे बढ़ते या घटते क्रम में लिखने को बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 43 लाख जनजातियां जो छत्तीसगढ़ में निवास करती है वो गोंड जनजाति समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि गोंड जनजातियों की सर्वाधिक 41 उपजातियां छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, उसके बाद नंबर आता है कंवर, देन उराव जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, और उसके बाद हलवा। ठीक, जनसंख्या के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, घटते क्रम में इसे लिख लिए, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, लिंगोपेन एक संगीतकार थे, कौन थे ये लिंगोपेन? ये मुरिया जनजाति के पूर्वज हैं लिंगोपेन। हाँ, ये एक संगीतकार थे, ऐसी मान्यता है कि इन्हें 18 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने आते थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सेमर गांव में, जो कि कांकेर जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर गोटुल की स्थापना की थी, और इसीलिए मुरिया जनजाति के लोग अपने इस पूर्वज को देवता मानते हैं और गोटुल में स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, ये गोटुल में सर्वत्र विद्यमान होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गोटुल एक शैक्षणिक संस्थान है, तो हाँ, गोटुल में मुरिया जनजाति के लोगों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सिंचित किया जाता है, शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन समाज की शिक्षा दी जाती है, धर्म की शिक्षा दी जाती है, उनकी परंपराओं की शिक्षा दी जाती है, कैसे जीवन यापन करना चाहिए उसकी शिक्षा दी जाती है। तो हाँ, एक शिक्षा संस्थान तो है, जहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। गोटुल एक्चुअल में युवा गृह है ना, इनका युवा गृह मतलब युवाओं का घर। ये गांव में एक पृथक मकान होता है, एक पृथक संस्था होती है, जहां पर अविवाहित युवक और युवतियों को शिक्षा दी जाती है। चौथा स्टेटमेंट, अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य लौह शिल्प है। तो देखिए, अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य लौह शिल्प नहीं है, लोहा गलाने का कार्य है। पारंपरिक कार्य का तात्पर्य है कि परंपरा से ये कार्य चली आ रही है। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया गया होता कि अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प का कार्य करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता कि अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प का तो कार्य करते हैं, लेकिन क्या लौह शिल्प इनका पारंपरिक कार्य है? तो नहीं, इनकी परंपरा से चले आने वाले कार्य की अगर हम बात करें तो इनका पारंपरिक कार्य लोहा गलाने का है, लौह शिल्प का तो नहीं है। इनके पूर्वज प्राचीन समय में लोहा गलाने का कार्य किया करते थे, और फिर उस लोहे को, लोहा गलाने का कार्य मतलब कि लौह निर्माण का कार्य किया करते थे, और फिर उसके बाद इस लोहे को वो लोहार को दे दिया करते थे। लोहार लौह शिल्प का कार्य किया करता था, मतलब कि उस लोहे से वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उपकरण, औजार बनाया करता था। हाँ, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि अब अगर ये जनजाति के लोग लौह का निर्माण तो करते ही हैं, इसके साथ साथ ही लौह शिल्प का भी कार्य करते हैं, और इसीलिए इन्हें गोंडों का लोहार भी कहा जाता है। तो अभी तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असत्य कथन को सुनना था। तो इस प्रकार से केवल स्टेटमेंट 4 ही असत्य है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हम इसे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल और केवल 4 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर सत्य कथन चुनना है बोला गया होता तो करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 हो जाता। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियों से संबंधित निम्न कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करिए। पहले हम इसे मार्क कर लेते हैं कि हमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, हलवा जनजातियों में साक्षरता दर सर्वाधिक है। जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़े, कम से कम 2 बार तो उसे पढ़े जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साक्षरता की बात नहीं की गई है, साक्षरता दर की बात की गई है। अगर साक्षरता की बात की गई होती तो हम जनसंख्या के आधार पर ये डिसाइड कर लेते कि सर्वाधिक साक्षरता किस जनजाति में है, लेकिन यहाँ पर चूंकि साक्षरता दर की बात की गई है
किसी भी जनजाति की कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत जनजातियां साक्षर है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में, हमने देखा था कि जनसंख्या की बात करें तो उराव जनजाति की जनसंख्या लगभग 7.5 लाख है, जितने भी आंकड़े बताए जा रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर बताए जा रहे हैं, और हलवा जनजाति की जनसंख्या लगभग 3.75 लाख है। लेकिन देखिए यहां पर कितना अंतर है ना, उराव जनजाति की जनसंख्या लगभग डबल है हलवा जनजातियों की जनसंख्या से। ठीक है, तो अगर हम साक्षरता की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर हम जनसंख्या में देखें तो इसकी जनसंख्या तो ज्यादा ही होगी साक्षरता में, और इसकी जो है कम है। लेकिन अगर हम दर की बात करें तो इस 7.5 लाख लोगों में लगभग 68.9% लोग साक्षर हैं, जबकि हलवा जनजातियों में 76.2% लोग साक्षर हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रतिशत की बात करेंगे तो हलवा जनजाति के लोग प्रतिशत के आधार पर ज्यादा साक्षर हैं, लेकिन अगर आप इस 7.5 लाख का अगर आप ये प्रतिशत निकाल के देखें 68.9%, तो जो भी यहाँ पर नंबर्स आएंगे, जो भी डिजिट आएगा, और इसमें जो भी डिजिट आएगा उसमें ये डिजिट ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर साक्षरता सर्वाधिक किसकी पूछा जाए तो उराव जनजाति की है, लेकिन साक्षरता दर की बात की जाए तो वो किसकी है, हलवा जनजाति की है। ठीक, यहां से आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट, गदबा जनजाति बोझा ढोने का कार्य करती है। तो हाँ, गदबा जनजाति के लोग बोझा ढोने का कार्य करते हैं, ये इनका पारंपरिक कार्य है। ये गदबी बोली बोलते हैं जिसे बाकी जनजाति के लोग ना समझ पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट, अंध जनजाति रायगढ़ में निवास करती है। तो नहीं, अंध जनजाति ये दक्षिण भारत की जनजाति है, ये बस्तर में निवास करती है। और रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में कंध जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ के विशेष जिलों में ही निवास करती है, जैसे कि ये अंध जनजाति बस्तर में, कंध रायगढ़ में, सौता जनजाति कोरबा में, और धनवार जनजाति बिलासपुर में। अगला स्टेटमेंट ये रोंग है ना, जनजातियों में गोदना एक संस्कार है। तो हाँ, जनजातियों में गोदना एक संस्कार है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 4 है ना, 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जनजातियों में गोदना एक संस्कार है, जनजाति स्त्रियां गोदना प्रिय होती हैं, ये अपने शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाती है। गोदना है क्या, तो ये काली या नीली स्याही से शरीर की त्वचा पर उकेरा गया चित्र होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की चित्रकारी होती है, और गोदना इनके सौंदर्य का भी प्रतीक होता है। इनकी ऐसी मान्यता है कि गोदना चिरस्थायी होती है, मृत्यु के बाद ये इनके आत्मा के साथ इनके साथ जाती है। हाँ, इनका शरीर इनके साथ तो नहीं जाता इनकी आत्मा के साथ, लेकिन गोदना तो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी मान्यता है कि गोदना चिरस्थायी होती है। अगर ये गोदना नहीं गोदवाए तो उसके बाद मृत्यु के उपरांत सब्बल से देवता इनके शरीर को गोदेंगे। तो ऐसी इनकी लोक मान्यता है। ठीक है, इनमें ऐसी लोक मान्यता है कि इनमें गोदना गोदवाना तो कंपलसरी होता है। अगर वो अभी गोदना नहीं गोदवाए तो मृत्यु के बाद सब्बल से गोदा जाएगा इनके शरीर को। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी ऐसी भी मान्यता है कि गोदना गोदवाने से गठिया रोग नहीं होता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काली या हरी स्याही से गुदवाया जाता है, तो ये आधुनिक युग में इसे टैटू कहा जाता है। ठीक है, तो ये जनरली हरे रंग का होता है, जो कि हरियाली का प्रतीक भी होता है। तो इस प्रकार से जनजाति अंचल में गोदना का विशेष महत्व है। गोदना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि सीजीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है बताइए, बैगा है। सबसे अधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार है, और गोदना गोदने वाली जनजाति देवार, ओझा या बंजारा है। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे गोदना प्रिय जनजाति बैगा, गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार, और गोदना गोदने वाली जनजाति जो है वो देवार, ओझा और बंजारा है। ठीक, इतना समझ में आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है ए वेरियर एल्बिन, बी दयाशंकर नाग, सी श्यामाचरण दुबे और डी आर राजेंद्र अवस्थी। तो देखिए, अगर आपको ये जितने भी राइटर्स हैं इनमें से आपको इनके बारे में कुछ भी अगर जानकारी होना तो आप इस क्वेश्चन को तो हल कर ले जाएंगे। देखिए, किताब का नाम क्या है, द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया, मिडिल इंडिया में रहने वाली जनजातियों के बारे में लिखी गई है ये किताब। और ये जो वेरियर एल्विन है ना, ये प्रसिद्ध मानव शास्त्री है, ये 1927 ईस्वी में ईसाई मिशनरी के रूप में भारत में आए थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति में विशेष रुचि थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ के मध्य में निवास करने वाली जनजातियों के ऊपर शोध का कार्य किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मध्य में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मध्य में अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के ऊपर उन्होंने शोध का कार्य किया था। और स्पेशली उन्होंने बैगा और गोंड जनजाति समूह के समूह पर शोध का कार्य किया था, जिसपे भी हम देख रहे हैं तो अगरिया, मुरिया, माड़िया, इन जनजातियों पर इन्होंने शोध का कार्य किया और इन्हीं के ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी। देखिए, जनरली ऐसा होता है कि कोई भी ईसाई मिशनरी यहाँ आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ के आदिवासी अंचल में आते हैं, उन्हें आर्थिक स्थिति से विकसित करने का या फिर उन्हें स्थिरता देने की बात कहकर उन्हें अपने धर्म में प्रवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तर क्षेत्र में उड़ाव जनजाति के लोग, बहुत सारे हिंदू उड़ाव जो हैं वो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। लेकिन ये ऐसे पहले मानव शास्त्री हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को देखकर बाद में, ये ईसाई थे जबकि फिर बाद में जब इन्होंने हिंदू धर्म को यहाँ देखा, समझा, जाना, तो उसके बाद ये हिंदू धर्म को मानने लगे। तो इनकी प्रमुख किताबों को आपको ध्यान में रखना, एक तो इनकी प्रमुख किताब द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने द अगरिया, यहीं पर लिख लेते हैं ना, द अगरिया, द बैगास, मुरिया एंड देयर घोटुल एंड माड़िया जनजाति के ऊपर द गौर लिखा है। माड़िया जनजाति के लोग जात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य करते हैं और इस नृत्य को देखकर वेरियर एल्विन ने इस नृत्य को जनजातियों में किए जाने वाले नृत्य में सबसे सुंदरतम नृत्य कहा था। ठीक है, तो इनकी जो चार किताब है इन्हीं जनजातियों के ऊपर लिखी गई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सवाल यहाँ से पूछा जाता है, दयाशंकर नाग ने द ट्राइबल इकोनॉमी किताब लिखी है, श्यामाचरण दुबे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने कमार जनजाति के ऊपर किताब लिखी है, द कमार। ठीक, आर राजेंद्र अवस्थी की किताब के बारे में आपको ऐसे कुछ याद नहीं रखना, यहाँ से संबंधित किताब नहीं आती। इन्होंने जंगल के फूल, इस प्रकार हल भी लोक कथाएं, इस प्रकार से इन्होंने किताब की रचना की है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विवाह प्रेम विवाह नहीं है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, भगेली, गंधर्व, पठौनी और हट। तो ये चारों विवाह किस प्रकार से होते हैं? देखिए, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि विवाह किस प्रकार से होते हैं। हट की चर्चा हमने पहले भी की है। भगेली, भगेली जब लड़की के माता पिता विवाह के लिए राजी सहमति नहीं देते हैं, राजी नहीं होते हैं, तो लड़की रात्रि में अपने प्रेमी के घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लड़के के माता पिता विवाह के लिए राजी हैं, तो क्या करते हैं कि रात्रि में ही लड़की का विवाह लड़के के साथ करवा दिया जाता है और गांव के मुखिया के द्वारा लड़की की भगेली होने की सूचना लड़की के परिवार में दे दी जाती है। तो इस प्रकार से इस विवाह को भगेली विवाह कहा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लड़की अपने घर को छोड़कर लड़के के घर चली जाती है और वहां इनका विवाह करा दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का प्रेम विवाह है, गंधर्व विवाह, जहां पर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते होते हैं और उनके माता पिता भी इस विवाह के लिए राजी होते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोकाचारों का निर्वहन करके इस विवाह को कराया जाता है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। पठौनी, पठौनी की चर्चा हमने की थी। पठौनी विवाह ये सामान्य विवाह है जहाँ पर लड़की लड़के के घर
बारात लेकर जाती है उस विवाह को पठानी विवाह कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम विवाह नहीं है ना। तो देखिए ये भी प्रेम विवाह है, ये भी प्रेम विवाह है, और हट यहाँ पर लड़की हट करती है ना लड़के के घर जाकर। देखिए यहाँ पर लड़के के माता पिता राजी हैं, लेकिन यहाँ पर लड़के के माता पिता राजी नहीं है। तो कुछ आधारभूत अंतर है इन विवाहों के स्वरूपों में। तो ये तीनों प्रेम विवाह है, बस पठानी प्रेम विवाह नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। फिर से हमको एक जोड़ी को सुमेलित करना है। पहला है, अच्छा ये जनजाति और युवा गृहों की जोड़ी है। मुरिया जनजाति के युवा गृह को गोडुल कहा जाता है, परजा के युवा गृह को धागा बक्सर, उड़ाव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया, लेकिन बिरहोर जनजाति के युवा गृह को रंगभंग नहीं बल्कि गीतुओना कहा जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए युवा गृह क्या होता है, युवा गृह का मतलब युवाओं का गृह, एक ऐसा पृथक मकान जहां पर अविवाहित युवक और युवतियों को सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, कला और संस्कृति से संचित किया जाता है। ठीक है, चूंकि ये अलग अलग जनजातियों में इसे देखा जाता है इस प्रकार के संस्थान को, तो अपनी अपनी जनजातियों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इनकी स्थानीय बोली में, जैसे कि मुरिया जनजाति के लोग अपनी स्थानीय बोली में इस युवा गृह को गोटुल कहते हैं, तो उसी प्रकार से परजा जनजाति के लोग अपने स्थानीय बोली में इसे धागा बक्सर कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब सीजीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुरिया जनजाति के गोटुल के मुखिया को पुरुष मुखिया को सिरेदार और महिला मुखिया को बेलोसा कहा जाता है। सदस्य की बात करें तो पुरुष सदस्य को चेलिक और महिला सदस्य को मुटियारिन या मोटियारिन कहा जाता है। ये सीजीपीएससी प्री में पूछा जाता है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, आपको ऐसे मैच करना होगा कि मुखिया, पुरुष मुखिया, महिला मुखिया, इस प्रकार से एक तरफ आपको इसके हेड को दे दिया जाएगा, पद को दे दिया जाएगा, पद नाम को, दूसरी तरफ से किस नाम से आ जाता है, इसे आपको फिर मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि पुरुष मुखिया को सिरेदार, महिला मुखिया को बेलोसा, सदस्य को चेलिक और मुठियारी। एक्चुअल में ना मुरिया जनजाति की स्थानीय बोली में लड़का को ही चेलिक कहा जाता है और लड़की को मुटियारिन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी स्थानीय बोली में इस प्रकार से इनके सदस्यों को संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार से उराव जनजाति की बात करें तो इनके युवा गृह में सदस्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि 13 वर्ष से कम आयु वर्ग के सदस्य हैं उन्हें पूना जोरवार कहा जाता है, जो 13 से 18 आयु वर्ष के सदस्य हैं उन्हें मजथुरिया जोरवार कहा जाता है, और जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सदस्य हैं उन्हें धांगर कहा जाता है। उराव जनजाति के युवा गृह के पुरुष मुखिया को मुखिया में पुरुष मुखिया को धांगर में तो, और महिला मुखिया को बार की धांगरीन कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में ये आपको बाल की धांगरीन भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। ये सिमिलर वर्ड्स है ना, बार की धांगरीन या बाल की धांगरीन कहा जाता है। ठीक, तो इतने नाम आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से सीजीपीएससी प्री में सवाल पूछे जाती है। जो बार की धांगरीन है सामान्यता विधवा होती है। ठीक, ये वरिष्ठ सदस्य होती है वहां की। अब हम आगे चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर शिल्प कला और जनजातियों को मैच करके दिया गया है, कौन सा मैच्ड नहीं है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, झारा धातु शिल्प। छत्तीसगढ़ में ना निवास करने वाले अलग अलग जाति या फिर जनजातियों के द्वारा धातु शिल्प का कार्य किया जाता है, और जिस भी क्षेत्र में जिस जाति के द्वारा इस शिल्प का कार्य किया जाता है, इस धातु शिल्प को उसी जाति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रायगढ़ जिले के एकताल गांव में निवासरत
झारा जाति के लोग जिस धातु शिल्प का कार्य करते हैं उसे झारा शिल्प कहते हैं, जो कि धातु शिल्प होता है। मतलब कि धातु से कारीगरी करना, धातु से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, सजावटी वस्तुएं, देवी देवताओं की मूर्ति, पूजा के सामान, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धातु से वस्तुएं बनाने का कार्य को धातु शिल्प का कार्य कहते हैं। और ये धातु शिल्प का कार्य विलुप्त मोम पद्धति से बनाया जाता है। ठीक है, सरगुजा में ये हमने बात कर लिया रायगढ़ जिले की। सरगुजा में निवास करने वाली कसेर, मलार और भरेवा जनजाति के द्वारा भी धातु शिल्प का कार्य किया जाता है। वहीं पर बस्तर में गढ़वा और ढोकरा शिल्प प्रचलित है। ये सभी के सभी धातु शिल्प के अंतर्गत आते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी जातियों के नाम है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मैच में। अगला मैच है मुरिया जनजाति कंगी शिल्प। हाँ, तो मुरिया जनजाति के लोग कंगी शिल्प में निपुण होते हैं। ये विशेष प्रकार की कंगियां बनाते हैं और जनजाति अंचल में कंघी इनके सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि घोटिल में अगर कोई लड़का लड़की को कंघी गिफ्ट कर दे तो ऐसा माना जाता है कि वो लड़का उस लड़की को प्रेम करता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के अलंकरण से इस कंघी का निर्माण किया जाता है। जनरली कास्ट से इस कंघी का निर्माण किया जाता है। ठीक, अगला मैच कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प में निपुण होते हैं। तो हाँ, कमार जनजाति जो कि गरियाबंद जिले में निवास करती है, ये लोग बांस की कारीगरी करते हैं। ये बांस से टुकना, झुआ, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। उराव जनजाति रजवार शिल्प, तो नहीं, उराव जनजाति के लोग रजवार शिल्प का कार्य नहीं करते हैं। रजवार जाति के लोग रजवार शिल्प का कार्य करते हैं, सरगुजा जिले में निवास करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जितने भी शिल्प के नाम देखे ना, वो सभी शिल्प के नाम उस पर्टिकुलर वस्तु के आधार पर रखे गए हैं। लाइक मिट्टी, अगर इंग्रेडिएंट मिट्टी है तो मिट्टी शिल्प, इंग्रेडिएंट कास्ट है तो कास्ट शिल्प, इंग्रेडिएंट धातु है तो धातु शिल्प। बस यही एक ऐसा शिल्प है जो कि किसी जाति के नाम पर रखा गया है। रजवार जाति के लोग रजवार शिल्प का कार्य करते हैं। ये क्या है, तो ये जालियां बनाते हैं घर में। आप कभी देखिएगा, आप गूगल से सर्च करके देखिएगा कि क्या होता है कि घर की जो खिड़कियां होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। इस प्रकार की डिजाइन की खिड़कियां बनाते हैं ये जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये मिट्टी से ही बनता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि और किसी दूसरे प्रकार के वस्तु से बनता है, ये मिट्टी से ही बनता है। तो इस प्रकार की जाली नुमा खिड़की बनाते हैं ये अपने घरों में। तो ये जो कार्य है रजवार जाति के लोग करते हैं, जिसे रजवार शिल्प के नाम से जाना जाता है। खिड़कियों में जाली बनाते हैं, ठीक है, या खिड़कियां निर्माण का कार्य करते हैं जो कि जाली नुमा स्ट्रक्चर का होता है। ठीक, तो इस प्रकार से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से सीजीपीएससी प्री में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो जनजातियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको रखनी है, हर एक छोटे छोटे पहलुओं को आपको छूना है। ये जनजातियां निवास कहाँ करती है, ये किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है, ये कौन सी प्रजाति की है, इनमें क्या विशेष है, आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। अगर इनका युवा गृह है तो इनके युवा गृह का नाम क्या है, ये अगर स्थानांतरित कृषि करती है तो ये अपनी स्थानीय बोली में इस स्थानांतरित कृषि को क्या कहती है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी छोटी छोटी जानकारियां जनजातियों से संबंधित रखनी है। हमारा जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोक पर्वों की चर्चा करेंगे, जहां पर हम छत्तीसगढ़ अंचल के साथ साथ जनजाति अंचल में मनाए जाने वाले लोक पर्वों से संबंधित सवालों को डील करेंगे। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।